शादी के बाद हमारे यहाँ अक्सर ख़वातीन की प्रैक्टिस है कि वो शनाख्ती कार्ड पर अपने नाम के साथ अपने शौहर का नाम लिखवाती हैं। ताहम बाद में अगर किसी की वजह से हालात ख़राब हो जाएं और खुला या तलाक की नौबत आ जाए तो उनको दोबारा अपना नाम और अपनी अज़दवाजी हैसियत का रिकॉर्ड तब्दील करवाना होता है। लेकिन तलाक की सूरत में अपने नाम और रिकॉर्ड की तब्दीली के लिए नादरा के दफ्तर जाने से पहले अपने इलाके की यूनियन कौंसिल जाना होगा। सबसे पहले अपने निकाहनामे और शनाख्ती कार्ड की कॉपी अपने हमरा रखिए। उसके बाद आप जिस इलाके में भी रहती हैं वहाँ की मुतालिका यूनियन कौंसिल जाइए और तलाक की इत्तला दीजिए। आपकी दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए यूनियन कौंसिल खाविन को हर माह एक समन जारी करेगी और 3 माह बाद आपको डिवोर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये सर्टिफिकेट लेकर आप नादरा के दफ्तर जाएंगी जहां पर बैक एंड से आपका मैरिटल स्टेटस तब्दील होगा और साथ ही आपका नाम भी बदल दिया जाएगा। ज़बानी तलाक या कोर्ट के जरिए डिवोर्स की सूरत में भी इसी तरीक़ेकार के तहत आपको पहले यूनियन कौंसिल जाना होगा और वहाँ रूल्स के मुताबिक 90 रोज़ या 3 महीने में तलाक इफेक्टिव हो जाएगी। याद रखिए, हाथ से लिखी तलाक अब काबिल कबूल नहीं और नादरा यूनियन कौंसिल के जारी करदा डिवोर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बगैर आपका नाम भी तब्दील नहीं करेगा।